हेलो स्टूडेंट्स, हम सी में उपलब्ध डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टडी कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने इंटीजर डेटा टाइप्स को बहुत ही विस्तार से समझा था। हम पिछले लेक्चर्स के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हुए फिर आगे का स्टडी करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सी डेटा टाइप, तो इनको दो भागों में रखा गया है, फंडामेंटल डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप के अंतर्गत कैरेक्टर टाइप के डेटा, इंटीजर डेटा, फ्लोट अर्थात रियल, डबल, वॉइड डेटा टाइप को रखा गया। इसी तरह डिराइव डेटा टाइप को फिर से दो भागों में रखा है। डिराइव डेटा टाइप को दो भाग कौन से? बिल्ट इन टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक तो जो बने बनाए और एक जो यूजर खुद बनाता है ऐसा डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप्स के दो प्रकार कौन से? बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। तो बिल्ट इन के अंतर्गत है एरे, फंक्शंस और पॉइंटर, और यूजर डिफाइंड के अंतर्गत आएंगे स्ट्रक्चर डेटा टाइप और यूनियंस। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स क्लास में पढ़ा था कि जब प्रोग्राम में सिर्फ पूर्णांक संख्याओं को स्टोर करने के लिए ही मेमोरी रिजर्व करनी होती है, तब आइडेंटिफायर को इंटीजर प्रकार का डिक्लेयर किया जाता है, अर्थात ऐसे डेटा जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, पूर्णांक है, उनको हमें डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप काम में लेंगे। इसमें भिन्नांक संख्याएं नहीं हो सकती, अर्थात ऐसी संख्या नहीं हो सकती जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो, वो इसमें नहीं होंगे। किसी वेरिएबल को इंटीजर प्रकार का डिक्लेयर करने के लिए आइडेंटिफायर के नाम के साथ इंट कीवर्ड का प्रयोग करके सी कंपाइलर को बताया जाता है कि वह आइडेंटिफायर केवल पूर्णांक संख्या को ही मेमोरी में स्टोर कर सकेगा। इंट प्रकार के आइडेंटिफायर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मान रख सकते हैं। जब हम किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते समय किसी भी मॉडिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं, तब क्रिएट होने वाला आइडेंटिफायर बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। अभी जैसा मैंने बताया कि इंटीजर डेटा टाइप में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मान रख सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको डिक्लेयर करते वक्त साइंड नहीं भी लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट साइंड डेटा टाइप होगा। इसलिए यदि हमें ऐसे मान को स्टोर करने के लिए आइडेंटिफायर क्रिएट करना हो जो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार के मान को स्टोर कर सकता है, तो हमें साइंड कीवर्ड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट ही साइंड डेटा टाइप होगा। लेकिन यदि हमें केवल पॉजिटिव मान को स्टोर करने के लिए आइडेंटिफायर क्रिएट करना हो, तो उस स्थिति में हमें डेटा टाइप के साथ अनसाइंड मॉडिफायर का उपयोग करना जरूरी है। सी में इंटीजर प्रकार के आइडेंटिफायर को फिर कई भागों में बांटा गया। वो पहला हमने पढ़ लिया था इंट या साइंड इंट। जैसा भी मैंने बताया, इंटीजर डेटा टाइप में पॉजिटिव या नेगेटिव डेटा हो सकता है, तो अगर हमने साइंड इंट डिक्लेयर किया या इसमें साइंड नहीं लिखा तो भी वो बाय डिफॉल्ट साइंड डेटा टाइप होगा। इंट अथवा साइंड इंट डेटा टाइप। तो इस स्टोरेज स्पेस रिजर्व कितना करता है? 2 बाइट 16 बिट कंपाइलर के लिए, 4 बाइट 32 बिट कंपाइलर के लिए। मतलब मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? अगर 16 बिट कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो 2 बाइट, और अगर 32 बिट कंपाइलर काम में ले रहे हैं तो 4 बाइट ऑक्यूपाई होगा। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि हमने मान लीजिए किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करा इंटीजर टाइप का, तो जब जो ही हम डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो आइडेंटिफायर उस नाम से मेमोरी में एक जगह रिजर्व करता है। तो कितनी बड़ी जगह रिजर्व करेगा? अगर हमने इंट टाइप का डिक्लेयर किया तो 16 बिट कंपाइलर के लिए तो 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और 32 बिट कंपाइलर के लिए 4 बाइट ऑक्यूपाई कर देगा। और उसमें कितना बड़ा या कितना छोटा, अधिकतम कितना छोटा और अधिकतम कितना बड़ा डेटा, अर्थात रेंज, उस डेटा की रेंज क्या हो सकती है? वो रेंज है
-3 to 7 6 8 से लेकर प्लस का 3 to 7 6 7, अर्थात इस रेंज के भीतर भीतर का वो डेटा उसमें स्टोर करवाया जा सकता है, ना तो इस रेंज से बाहर का डेटा ना इस रेंज से बाहर का डेटा उसमें स्टोर कर सकता है। अर्थात डेटा जो हम इसमें स्टोर करेंगे इंट टाइप का जो आइडेंटिफायर है उसमें उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर करेंगे उसकी रेंज है -3 to 7 6 8 से लेकर +3 to 7 6 7 तक। ये 16 बिट कंपाइलर के लिए है। अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे लिया, मान लीजिए नम कोई आइडेंटिफायर है, इसको मुझे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, साइंड इंट नम। अब ये साइंड इंट नम जो स्टेटमेंट है ये हमें ये बता रहा है कि नम एक इंटीजर टाइप का आइडेंटिफायर है, और इंटीजर से तात्पर्य है कि इसमें साइंड डेटा अर्थात -9 साइन वाला डेटा भी स्टोर करवाया जा सकता है, नेगेटिव डेटा स्टोर हो सकता है। और अगर हमने केवल इंट नम लिखा तो भी हमारा मीनिंग क्या है, साइंड इंट नम। इसी तरह एक डेटा टाइप इंटीजर के लिए अनसाइंड इंट स्टोरेज स्पेस रिजर्व 2 बाइट फॉर 16 बिट कंपाइलर, 4 बाइट फॉर 32 बिट कंपाइलर। और रेंज क्योंकि ये अनसाइंड अर्थात केवल पॉजिटिव डेटा स्टोर होगा तो 0 से लेकर 65535 तक स्टोर किया जा सकता है, यानी इस रेंज के भीतर भीतर का डेटा उसमें स्टोर करवाया जा सकता है। नम एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर हमने लिया, इसको डिक्लेयर करना हमें अनसाइंड टाइप का, तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, अनसाइंड इंट नम। तो नम एक आइडेंटिफायर है जिसमें केवल धनात्मक डेटा स्टोर होगा, और वो डेटा किस रेंज के भीतर होना चाहिए, वो डेटा 0 से 65535 के भीतर भीतर होना चाहिए। इसी तरह हमने पिछले लेक्चर क्लास में पढ़ा था शॉर्ट और साइंड शॉर्ट इंट। सामान्यतः शॉर्ट प्रकार के आइडेंटिफायर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम 32 बिट कंपाइलर को यूज कर रहे होते हैं और हमें छोटे मान को स्टोर करना होता है, क्योंकि 32 बिट कंपाइलर में इंटीजर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए छोटी इंटीजर संख्याओं को स्टोर करने के लिए हमें शॉर्ट प्रकार के आइडेंटिफायर को यूज करके 2 बाइट की बचत कर सकते हैं। 16 बिट कंपाइलर में हमें चाहे इंट टाइप का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें या शॉर्ट टाइप का, दोनों ही मेमोरी में 2 बाइट का ही स्टोरेज स्पेस रिजर्व करता है। तो स्टोरेज स्पेस रिजर्व 2 बाइट फॉर 16 बिट कंपाइलर, और चाहे वो 32 बिट कंपाइलर है तो भी 2 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा। नम कोई हमारा आइडेंटिफायर है, इसको हमने साइंड शॉर्ट इंट टाइप का डिक्लेयर करना था, हम लिखेंगे साइंड शॉर्ट इंट नम, अथवा क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट नम। साइंड शब्द को लिखना जरूरी नहीं है, इसी तरह इंट शब्द को भी यहाँ छोड़ा जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, साइंड शॉर्ट नम अथवा शॉर्ट नम, इन सब का एक ही मीनिंग है। हम इंट शब्द को और साइंड शब्द को छोड़ते हुए लिख सकते हैं, और उस वक्त इसका कैसा रूप बनेगा, शॉर्ट नम। तो ये नम एक आइडेंटिफायर है, वो किस टाइप का है, साइंड शॉर्ट और इंटीजर टाइप का। नेक्स्ट टाइप है अनसाइंड शॉर्ट इंट। जब हम 16 बिट कंपाइलर को यूज करते हैं और हमें छोटी लेकिन केवल पॉजिटिव संख्या को ही कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो उसके लिए स्टोरेज इस पर रिजर्व करना होता है, तब हम अनसाइंड शॉर्ट इंट प्रकार का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं। स्टोरेज स्पेस कितना रिजर्व करेगा, 2 बाइट फॉर 16 बिट कंपाइलर। एग्जांपल यहां दिख रहा है स्क्रीन पे, सैलरी कोई आइडेंटिफायर है, हमें उसको डिक्लेयर करना अनसाइंड शॉर्ट टाइप का, तो हम लिखेंगे अनसाइंड शॉर्ट इंट सैलरी। अब मैंने अभी अभी कहा था इंट शब्द को छोड़ा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसाइंड शॉर्ट सैलरी। नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग और साइंड लॉन्ग इंट। जब हमें काफी बड़ी संख्या का प्रयोग करना होता है तब हम इस डेटा टाइप का चयन करते हैं। ये डेटा टाइप जनरली वैज्ञानिक गणनाओं में काम में लिया जाता है, जहाँ काफी बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करके रिजल्ट को स्टोर करना होता है। इस प्रकार के डेटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मेमोरी में, 4 बाइट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी कोई आइडेंटिफायर है, हमें इसको डिक्लेयर करना है साइंड लॉन्ग इंट टाइप का, तो हम लिखेंगे साइंड लॉन्ग इंट वेलोसिटी। अब इंट शब्द भी छोड़ा जा सकता है और साइंड शब्द भी छोड़ा जा सकता है, तो साइंड लॉन्ग वेलोसिटी या लॉन्ग इंट वेलोसिटी या लॉन्ग वेलोसिटी, ये सब एक ही मीनिंग है कि वेलोसिटी एक आइडेंटिफायर हमने यहाँ लिया है और उसका टाइप है
साइंड लॉन्ग इंट। नेक्स्ट है अनसाइंड लॉन्ग इंट, जब हमें काफी बड़ी लेकिन केवल पॉजिटिव संख्याओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्टोरेज स्पेस क्रिएट करना होता है तब हम इस डेटा टाइप को यूज करते हैं, और ये 4 byte ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल हमने लिया अनसाइंड लॉन्ग नम, यानी नम एक आइडेंटिफायर है जो अनसाइंड लॉन्ग टाइप का है, इसको इंट शब्द लिख सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अनसाइंड लॉन्ग इंट नम लिखेंगे तो भी वही मीनिंग है कि नम एक आइडेंटिफायर है जिसका डेटा टाइप है अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब हम और आगे देखते हैं, अभी तक हमने जो भी स्टडी किया वो था इंटीजर के लिए, अब हम पढ़ेंगे फ्लोट के लिए। फ्लोट अर्थात रियल, रियल मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो, अर्थात भिन्नात्मक संख्याएं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो उनको स्टोर कराना, तो हमें क्या करना होगा। जब हमें प्रोग्राम में भिन्नात्मक व दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है तब हम फ्लोट प्रकार का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं। ये आइडेंटिफायर मेमोरी में 4 bytes की स्टोरेज स्पेस रिजर्व करता है और भिन्न या घातांक रूपों में 3.4e-38 से 3.4e+38 मान तक की संख्या को स्टोर कर सकता है। अर्थात रेंज क्या हो गई इसकी, फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप है उसमें जो डेटा स्टोर हो सकता है उसका रेंज है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो 3.4e-38 से लेकर 3.4e+38 तक का वैल्यू डेटा स्टोर उसमें हो सकता है, किसमें, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप में। इस प्रकार के आइडेंटिफायर के साथ अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट अथवा लॉन्ग किसी भी मॉडिफायर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह का आइडेंटिफायर निम्नानुसार तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, नाम एक वेरिएबल या आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर है, इसको हमें फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे फ्लोट नम। फ्लोट एक कीवर्ड है, नम हमने एक वेरिएबल लिया अथवा आइडेंटिफायर लिया, तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि नम एक फ्लोट टाइप का आइडेंटिफायर है, अर्थात नम में क्या स्टोर किया जा सकता है, रियल डेटा, अर्थात ऐसा डेटा जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है उसको नम नाम की लोकेशन में स्टोर करवाया जा सकता है, और नम नाम की जो लोकेशन है उसकी टाइप क्या है, फ्लोट अर्थात रियल, अतः निश्चित है कि नम में जो डेटा आएगा वो रियल विद डेसिमल पॉइंट आएगा, और उसका रेंज कितना होगा उस डेटा का, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का, अर्थात 3.4e-38 से लेकर 3.4e+38 के बीच का कोई वैल्यू इसमें स्टोर करवाया जा सकता है। जब हमें प्रोग्राम में इतनी बड़ी भिन्नात्मक या घातांक संख्या के साथ प्रक्रिया करनी होती है जो कि फ्लोट की रेंज से भी ज्यादा हो, अभी जो मैंने रेंज बताई अगर उससे बाहर की रेंज का कोई रियल डेटा स्टोर कराना हो तब हम डबल डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं, तब हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करके आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, और इस डबल डेटा टाइप को भी 2 भागों में बांटा है, एक तो डबल और दूसरा लॉन्ग डबल। तो पहला है डबल, ये मेमोरी में 8 byte की स्टोरेज स्पेस रिजर्व करता है और इसका रेंज है 1.7e-308 से लेकर 1.7e+308 तक की संख्या को स्टोर कर सकता है। इस प्रकार के आइडेंटिफायर को हम निम्नानुसार डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ फिर से एक उदाहरण दिया गया है, नम कोई आइडेंटिफायर है, हमें उसको डबल टाइप का डिक्लेयर करना तो हम लिखेंगे डबल नम, अर्थात मेमोरी में एक लोकेशन नम नाम से बन जाएगी और उस लोकेशन का टाइप क्या होगा, डबल, उसका डेटा टाइप होगा डबल, अर्थात इस नम वेरिएबल में या इस नम आइडेंटिफायर में अब हम कितना बड़ा या कितना छोटा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसका रेंज क्या होगा, तो वो रेंज है 1.7e-308 से लेके 1.7e+308 तक की कोई संख्या, अर्थात इस रेंज के भीतर का कोई भी डेटा इस नम लोकेशन में स्टोर करवाया जा सकता है, और ये लोकेशन कैसी है, डबल डेटा टाइप की।
नेक्स्ट है लॉन्ग डबल। जब डबल के साथ लॉन्ग कीवर्ड लगा दिया जाता है, यानी जब लॉन्ग डबल प्रकार का डेटा टाइप यूज करते हैं, तब वह आइडेंटिफायर बड़ी से बड़ी संख्या को स्टोर कर सकता है और यह मेमोरी में 10 बाइट की स्टोरेज स्पेस रिजर्व करता है। कितने बाइट का? 10 बाइट। और इसका रेंज क्या? 3.4e-4932 से लेकर 3.4e+4932 तक की संख्या को स्टोर कर सकता है। इस तरह का आइडेंटिफायर भी हम निम्नानुसार डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर से एक एग्जांपल कि नम एक आइडेंटिफायर है, हमने इसको डिक्लेयर किया लॉन्ग डबल टाइप का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेमोरी में जो नम नाम की लोकेशन है, वहां हम कोई भी रियल डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस लोकेशन पे जो डेटा स्टोर होगा वो इस रेंज के भीतर का कोई भी डेटा हो सकता है। कौन सी रेंज? 3.4e-4932 से लेकर 3.4e+4932 मान तक की संख्या को हम इस लोकेशन में स्टोर करवा सकते हैं। और ये जो नम नाम की लोकेशन है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 10 बाइट। तो आज हमने इंटीजर और फ्लोट इन दोनों को बहुत ही विस्तार से समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।